नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। दर्पण जी ने खबर लिखते हुए दो फोटो के नीचे, एक नीचे की तरफ एरो लगाया, एक ऊपर की तरफ एरो लगाया। खबर इसी पे छिपी है। खबरें चल रही थी कि फेमस हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन सपना ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया था। जब रविवार को सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया तो यूपी कांग्रेस के सेक्रेटरी नरेंद्र राठी मीडिया के सामने आए। उन्होंने सपना के कांग्रेस में शामिल होने वाले मेंबरशिप फॉर्म को लहराते हुए कहा कि सपना चौधरी ने खुद आकर कांग्रेस मेंबरशिप का फॉर्म भरा था। उन्होंने सपना चौधरी का सिग्नेचर वाला फॉर्म भी दिखाया। उन्होंने कहा कि सपना चौधरी के साथ ही उनकी बहन ने भी कांग्रेस मेंबरशिप का फॉर्म भरा था और पार्टी की सदस्यता ली थी। कांग्रेस ने इसके जो सबूत दिए उनमें ही गड़बड़ निकली। जरा गौर से देखें दोनों फॉर्म्स को। फॉर्म नंबर एक 23 मार्च 2019 को भरे गए इस फॉर्म में सदस्यता का साल दिखाया गया है 2017 से 2022। यहां पर लिखा हुआ 2017 से 2022। तो ऐसा लगता है कि दो फॉर्म भरे गए, एक पर्ची थी एक फॉर्म था। ये वो पर्ची है जिसमें 2017 से 2022 तक के लिए ₹5 की सदस्यता शुल्क सहित प्राप्त हुआ और इसमें तारीख है 23/3/2019। तो इनका दावा है कि 23 मार्च को सपना चौधरी ने कांग्रेस की मेंबरशिप ली और उस दिन इन्होंने ₹5 दिए और 2017 से 2022 तक के लिए कांग्रेस की मेंबरशिप ली। अब 2017 मतलब बैक डेट में कांग्रेस में शामिल किया गया सपना चौधरी को, हम 2019 में खड़े हैं। अब आते हैं दूसरे फॉर्म पर, इसके नीचे दूसरा फॉर्म। पहले फॉर्म को तो चलो माफ भी किया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि सरकार में न रहने के कारण कांग्रेस पार्टी में आर्थिक तंगी चल रही हो, इसीलिए 2017 वाले ही फॉर्म यूज किए जा रहे हूं। वैसे होने को इससे यह भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस में नई सदस्यता लेने वालों की कमी है, तभी तो 2017 वाले फॉर्म्स अभी तक भी खर्च नहीं हुए। चलिए ये थोड़ा हल्की बात, मजाक वाली बात। अब हम सीरियस वाली बात पर, दूसरे फॉर्म पर गौर फरमाएं क्योंकि इसको देखकर, अब ये दूसरा फॉर्म है सदस्यता फॉर्म उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऐसा उन्होंने पूरा फॉर्म दिया है। उसमें भी सपना चौधरी का जिक्र है, उनका पूरा पता वता लिखा हुआ है, डेट वही है 23/3/2019। इसके नीचे जब हम आते हैं तो इसमें लिखा है जिला शहर कांग्रेस कमेटी के मंत्री टिप्पणी सपना चौधरी का उपयुक्त आवेदन पत्र 2011 से 2015 तक 5 के लिए सदस्यता शुल्क ₹5 सहित इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है। अब ऊपर कह रहे थे 2017 से 2022, यहां भी डेट 23 मार्च 2019 वाली, लेकिन सदस्यता शुल्क लिया गया है 2011 से 2015 तक का। अब इसके आगे कुछ कहना, चलिए क्या ही कहना है। तो ये जोरदार सी खबर जो कांग्रेस से निकली, अभी तक ये भी पता नहीं चला कि कांग्रेस में गई हैं सपना चौधरी की बीजेपी में जाने वाली हैं या दोनों में से कहीं नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। तो ये खबर यहीं तक। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का एक रंगरंगीला त्यौहार, उस रंगरंगीले त्यौहार से इसी तरह की रंगरंगीली खबरें भी आती हैं, वो सारी दी लल्लन टॉप पर रहती हैं। तो ये खबर यहीं तक, बाकी की खबरों के लिए आप दी लल्लन टॉप के पते पर आते रहें। सबसे ज़रूरी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से प्लीज़ डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।